Are you eating? Hi everyone, welcome back to my channel. कैसे आप सारे लोग? Do let me in the comment section. ये देखो, एक और दाना हुआ, वो फट गया है. तो फट नहीं गया मतलब सही हो रहा है. बेसिकली इतने चेहरे पर दाने निकल रहे हैं, इसकी कोई हद नहीं है. यहाँ का सही हो गया तो यहाँ आ गया, एक हल्का सा यहाँ आ गया. कुछ तो मैंने ऐसा ज़रूर खाया है जो मुझे रिएक्ट कर रहा है. सो यस, एनी वेज, गुड मॉर्निंग, हैप्पी सैटरडे. आज है सैटरडे, हमारा स्नोमैन अभी. हाँ बेटा, हाँ मदर, मैं मदर हूँ रक्षा की. हाँ बहुत स्नोमैन इज नॉट मेल्टिंग, एवरीथिंग इज मेल्टेड ऑलरेडी बट नॉट स्नोमैन. Look, because snowman is having Raksha's Christmas hat and daddy's scarf. Hana, can you see? Look, style mein pose maar raha hai. Dekho jara, Raksha pose de raha hai. That is very funny. Hey, I want you to blow the volume up. Volume? A little up. Ho gaya? Ho gaya? ऑल राइट, सो आज है सैटरडे एंड मैं कर रही हूँ व्लॉगिंग. 2 जनवरी है आज, ठीक है. एंड एली आ चुकी हैं, वो क्लीनिंग कर रही हैं. शी आस्क्ड मी टियर 4 है, तो वेदर आई शुड कम और नॉट. बट देन बहुत अच्छे तरीके से वो क्लीनिंग करती है एंड बहुत हाइजीन के साथ करती है. एंड तो इसलिए हमने बंद नहीं कराया उसको ड्यूरिंग टियर 4 भी, क्योंकि वो सारे के सारा जो सामान है वो चेंज करती है, न्यू यूज़ करती है एवरी क्लीनिंग के लिए. सो दैट्स अ गुड पार्ट अबाउट हर. एंड वो क्लीनिंग कर रही है, किचन क्लीन कर रही है. देन आई विल गो एंड विल मेक ब्रेकफास्ट. सोचे मैं व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि शमाज किचन वापस आ गई है भाई, तो खाना तो दिखाएगी ना, है ना. सो ब्रेकफास्ट में मेरे दिमाग में चल रहा है सैटरडे है कि पोहा खाएं, बहुत दिन से नहीं खाया हुआ है. बट लेट मी आस्क रवि वो क्या बोलता है ना. एंड अकॉर्डिंगली बनाते हैं, जाते हैं, पूछते हैं. थोड़ा सा दिखाती हूँ, शी इज क्लीनिंग. अभी तो घर की हालत देखो आप जरा. ऑल राइट, सो दिस एरिया इज क्लीन, दिस द यूटिलिटी, है ना. जिस दिन एली आती है उस दिन लगता है हाय हाय हाय, घर में क्या ही खुशबू महक रही है. न तो वैसे भी खुशबू आती है घर में, बट वो फ्रेश फ्रेश वाली फीलिंग आ जाती है. सो दिस इज द किचन, शी इज ड्रिंक किचन. ऐसे कुछ नहीं, भी आप मेरी इंग्लिश पर ना पॉइंट नहीं उठा सकते. चलना आई रिसेंटली क्लियर इंग्लिश, बहुत बढ़िया किया आपने, वो भी डिस्टिंक्शन के साथ में, ठीक है. तो अगर आपने ये कहा कि क्षमा तुम्हारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो बहुत ही बड़ा मजाक हो जाएगा. बहुत लाइट हो रहा है. 11 बजे का अभी तो बिफोर टाइम हो रहा है, वही बहुत बड़ी बात है. सो इंस्टेंट कॉफी इज रेडी फॉर यू रवीना जी, आपकी कॉफी. चोर्स एली, थैंक यू वेरी मच. जिन्होंने गुलाब जामुन ऑलरेडी खा लिया, गुलाब जामुन खा लिया आपने? ऑल राइट गाइज, सो मैं हमेशा बोलती हूँ कि सैटरडे है ये बनाने जा रही हूँ, वो नहीं हो पाता, कुछ और ही हो जाता है करके. रक्षा बोलती है न्यूट्रिला ब्रेड खाना है, तो उसे न्यूट्रिला ब्रेड बना करके दिया है मैंने. एंड रवि ने कल, ऑब्वियसली 1 जनवरी था, हमने प्रॉपर से डिनर किया था, तो आई मेड शाही पनीर, बहुत यमी बना था. उसका भी व्लॉग आपको देखने को मिलेगा मेरे चैनल पर. इससे पहले ऑब्वियसली वही व्लॉग जाएगा सीरीज से, हम लोग मैं वीडियोज जो है वो अपलोड करूँगी. सो मैंने शाही पनीर बनाया था. एंड तो रवि बोल रहे हैं कि उसको खाते हैं रोटी के साथ, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया. मैंने बोला 9 o'clock के करीब मेरे यहाँ पर आती है एली, एंड
यार 11:30 बज जाता है, सो काम करते करते, है ना। सो अभी मिल्क फिनिश हो गया था घर में, जो मिल्क देने आते हैं लाइक वो MWF आते हैं। एंड आज है सैटरडे, फ्राइडे को था 1st of January, तो मिल्क भी नहीं आया। मिल्क हम लोग देते हैं फार्म से, सॉरी। ओके, सो एली आ गई थी। हाँ, सो मिल्क जो आता है हमारे यहाँ पर वो फार्म से आता है, और मतलब जो एक पैकेट वाला जो लाइक सुपरमार्केट से लेते हैं वो हम ऑब्वियसली यूज किया है काफी टाइम तक, बट जब से यहाँ मूव किए हैं, पुराने वाले घर में भी फार्म से ही मिल्क लेते थे। सो वो क्या होता है कि आई गेस 250 ml या फिर 450 ml की कुछ की बॉटल होती है एक, है ना, इस तरीके से करके मंगाते हैं। तो कल नहीं आया था तो ऑब्वियसली मिल्क फिनिश हो गया, तो अभी रवि गया हुआ है सुपर स्टोर टू गेट मिल्क एंड उसको चाय पीनी है। कॉफ़ी बना करके दिया इंस्टेंट वाला, ही इज लाइक उसका हीक नहीं पड़ता एंड सेम विद मी, लाइक मोटापा अपनी साइड है, सुबह की चाय तो अदरक वाली ही होनी चाहिए। सो बस ये एक बार वो आ जाए एंड मैं जल्दी जल्दी से गर्म गर्म सी रोटियाँ सेकूँगी एंड विल हैव दिस विल बी आवर ब्रेकफास्ट बेसिकली। सो ऑब्वियसली देन लंच में क्या होगा वो मैं इसमें इंक्लूड करूँगी। सो बेसिकली सैटरडे रूटीन हो गया है ना, ब्रेकफास्ट तो कुछ है ही नहीं है करने के लिए एज सच। अभी के लिए मैं इसको यहीं पर फुल स्टॉप लगा रही हूँ ऊपर एंड लेट सी आगे क्या बनाने वाली हूँ, लंच में क्या बनने वाला है, सरप्राइज अभी तो मेरे लिए सरप्राइज है क्योंकि मुझे ही नहीं पता क्या बनने वाला है। मिल्क आ गया है, ऑलराइट। मैं ब्रेकफास्ट के पीछे पड़ी हुई थी, मैंने ये रियलाइज़ ही नहीं किया था कि कल मैंने कचौड़ी भी बनाई हुई थी। ये निशान थोड़े से कम दिख रहे हैं ना, ये कम हो रहे हैं। कचौड़ी भी बनाई थी कल मैंने, वो भी खस्ता वाली। देखो कितनी खस्ता बनी हुई है, ठीक है। और कचौड़ी की एक खासियत है जो मुझे अभी ब्लड वो प्रूव हो गई, कल इतनी खस्ता नहीं लग रही थी जब वो गर्म थी, ठंडी होने के बाद में बहुत मस्त हो जाती है ये। एंड सारा ऑयल वॉयल जो लग रहा था कि बहुत ज़्यादा है, कुछ भी नहीं, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। सो ये है मूंग दाल की कचौड़ी, इसकी रेसिपी चैनल पर मिल जाएगी क्योंकि मैंने कल लंच या ब्रंच आप जो भी बोलो उसका भी वीडियो शूट किया है। एंड इसको मैं खाने वाली हूँ शाही पनीर के साथ। आई नो बहुत ही वियर्ड सा कॉम्बिनेशन है, बट वाई नॉट, राइट। सो रवि के लिए रोटी सब्जी एंड ऑमलेट एंड मैं ये खाने जा रही हूँ एंड चाय पीने जा रही हूँ। यस, ये हो गया हमारा ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट ब्रंच ही हो गया दोबारा से, मतलब छुट्टियों के चलते ना सारा का सारा रूटीन ऐसे ही ढीला हुआ सा है एंड वी आर लविंग इट टू बी ऑनेस्ट। फिफ्थ से स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, फिर बैक टू रूटीन आ जाएंगे, तब तक मजे कर लो। यस आई एम कमिंग, इट स्नोइंग। सो रक्षा बोल रही है कि यू हैव टू सी दिस, कैन यू सी, इट्स ऑल वाइट अगेन। बहुत ज़्यादा नहीं है बट हाँ स्नो हो रहा है अभी, कॉन्टिन्यूस है तो थोड़ा सा तो बढ़ ही जाएगा। चलो आई एम गोना हैव दिस एंड देन आई विल सी यू ऑल, बाय। ऑलराइट गाइस, जिस दिन घर में मीठा बनता है ना उसके 2 से 4 दिन तक हम सिर्फ मीठा खाते हैं, ठीक है। वजन तो गया साइड में, दाल इधर, चावल इधर, दाल रखी दिख रही है क्योंकि मैं दाल चावल बना रही हूँ लंच में। और खाने जा रही हूँ मैं गुलाब जामुन, मैंने अपनी नेल्स पर पेंट किया है। कैसा लग रहा है, बैठी थी तो फिर मन किया, यूं मैं लगाती नहीं हूँ घर पर, इतना डार्क कलर तो पहली बार देखा होगा आपने मेरे हाथ पे। एक्चुअली मेरे सारे वीडियोस को मैं देखा जाए तो, बट ये बड़ा अच्छा प्यारा सा लग रहा है मुझे, है ना अच्छा। गुलाब जामुन दिए हैं सबको, अभी मैं खाने जा रही हूँ गुलाब जामुन, दाल राइस बना रही हूँ, शायद से मैं साथ में सोयाबीन का जो कीमा होता है वो बनाऊँगी, बहुत सिंपल सा। तो अगर बनाया तो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी, अदरवाइज थोड़ी देर में हम इस ब्लॉग को टाटा बाय बाय बोलेंगे क्योंकि ब्लॉग अननेसेसरी बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा विदाउट एनी रीज़न। सो अगर कीमा बनाया तो विल ऐड, अदरवाइज नेक्स्ट क्लिप में आपको मिलेगा कि कैसे शमा ने वीडियो को साइन ऑफ किया। तो नौटंकी हो गई उन्होंने, चलो खाने दो, हाथ में गुलाब जामुन है और बातें कर रही हूँ, वाह वाह वाह। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर पहले मैं सोची थी कि पूरा डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, बट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था तो मैंने इसको शिफ्ट कर दिया वॉइस ओवर में। मैं यहाँ पर जो लंच बना रही हूँ उसमें कद्दू की
रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इसको आप पम्पकिन भी बोल सकते हो, बट मैं इसका टू बी ऑनेस्ट ऑल्टरनेटिव शेयर कर रही हूँ, वो है बटनट स्क्वैश, ठीक है। और मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है, सरसों के तेल में ये देसी सब्जियाँ बड़ी अच्छी बनती हैं। जैसे ही सरसों का तेल गर्म हो गया, चुटकी भर मैंने मेथी दाना एंड कलौंजी डाला है, अनियन सीड्स एंड हींग डाल दिया है, एंड फिर उसमें डाल दिया है हल्दी। हल्दी सूखी सब्जी में पहले डालें, अदरवाइज वो कच्ची रह जाती है। देन बस पम्पकिन को इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे, ठीक है, जिससे कि थोड़ा सा अच्छा सा कच्चा पक्का सा हो जाए टाइप, ढक करके इसको पका लेंगे। कुछ 3 से 4 मिनट लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे, ठीक है। और बहुत ही मिनिमल मसालों के साथ बना रही हूँ, मेरे पास हरी मिर्ची नहीं थी तो मैंने नहीं डाली है, आप डाल सकते हो। मसालों में मैं यहाँ पर सॉल्ट डाल रही हूँ, राइट, वो तो डलना ही डलना है, नो अदर ऑप्शन। सो सॉल्ट डालने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी। इस जगह पर आप क्या कर सकते हैं, इस कद्दू को चाहे तो आप इस तरीके से ही फ्राई करके सर्व कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको हल्का सा मैश कर सकते हैं, काइंड ऑफ भरता, दाल चावल के साथ वो ज़्यादा अच्छा लगता है। सो दैट्स व्हाट आई विल बी डूइंग ओके। मसालों के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा धनिया डाला है, हल्का सा पेपरिका पाउडर डाला है, आप और भी कुछ मसाले अगर आपको पसंद हैं तो सब्जी मसाला वगैरह बिल्कुल से डाल सकते हैं। हल्का सा और पका लेंगे मसाले, जिससे कि कच्चापन निकल जाए, ठीक है, ढक करके पकाएंगे। और इसमें मैं डाल दूंगी पानी हल्का सा, ठीक है, मैश करते टाइम में, अदरवाइज फिर वो मैश नहीं होगा ढंग से एंड धस उड़ेगी मसालों की, विच वी डू नॉट वॉन्ट। खट्टा मीठा यहाँ पर मैं कद्दू बना रही हूँ, उसके लिए मैंने अमचूर डाला है और डाल रही हूँ ब्राउन शुगर, आप इसकी जगह गुड़ का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, इवन इमली भी डाल सकते हो, या फिर ड्राई अमचूर हो तो वो भी डाल सकते हो, हर चीज़ का अल्टरनेटिव होता है, ठीक है। इसको पका लेंगे, अच्छे से मैश कर लेंगे अकॉर्डिंग टू जैसा भी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए हो, एंड कद्दू डन है। उसके साथ में दाल को मैंने टमाटर के साथ में बॉयल कर लिया था, हींग जीरे का तड़का लगाऊंगी, सैलेड कट गया है, राइस बन गया है, दैट इज़ इट अबाउट आवर लंच, ये था। और बस ये बड़ा ही प्यारा सा अच्छा सा लगेगा एंड देसी स्टाइल सब्जी है, ट्राई करना एंड डू लेट मी नो कैसा लगा आपको। गाइस, रक्षा का बहुत ही क्रेजी सा गेम चल रहा है यहाँ पर, नए कुछ तो यूज भी है कुछ तो Yeah, well done. I made it number the beginning. Oh, TV. कुछ तो उसने न्यू बैग लेकर के रख दिए हैं वहां पर, उन सब में पैर रख करके चल रही है, मतलब, और खुद से भी बोल रही है, सुपर क्रेजी। ओहो, ऑल राइट, सो इसके साथ में मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करूंगी। सो ये था मेरा सैटरडे, दिस इज हाउ आई स्पेंट, वी स्पेंट बेसिकली आवर डे टाइम। ऑब्वियसली आई डिडंट ऐड एनी लाइक रात हुई नहीं, एक सेकंड, हाँ या इट्स इवनिंग, रात तो हुई भी नहीं अभी, राइट, एंड आई बात ही नहीं करने देती है, खुद ही पूरा का पूरा मेरा व्लॉग हत्या करके बैठी हुई है। और राइट, सो यस, दिन मैंने शेयर किया है, रात तो मैंने लाइक अभी शूट भी नहीं किया, एंड मेरे नेल्स बहुत प्यारे लग रहे हैं, आई एम लविंग इट, प्यारे हैं ना। सो यस, अच्छा लगा है आज का व्लॉग, सैटरडे लाइक डे टाइम जो आप लोगों के साथ शेयर किया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लाइक करें वीडियो को एंड शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इफ दे वांट टू सी द रेसिपी, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू आर न्यू, एंड आई एम गोना गो नाउ, मिलती हूँ किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी।